नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं श्रोता और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त ऋतु अरोड़ा। जी हां, आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सजने की, सवरने की। जी हां भाई, लेडीज महिलाओं, आज आपको सजना है, सवरना है, क्योंकि मैं चाहती हूं आप बहुत खूबसूरत दिखें और खूबसूरती के साथ साथ आपका भाग्य भी चमके, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाए और आपका सौभाग्य भी बढ़े। तो आज हमें सजना है, सवरना है और क्या करना है, श्रृंगार की ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करेंगे जो आपकी किस्मत को चमका सकती हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज की बात करते हैं, सिंदूर। जी हाँ, सिंदूर के बिना तो वैवाहिक जीवन की कल्पना भी, इमेजिनेशन ही नहीं की जा सकती। एक बात ध्यान रखिए, सिंदूर बिंदी का इस्तेमाल करने से सौभाग्य बना रहता है, पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। भाई बहुत लड़ाई झगड़े मैं देख रही हूँ आपके बीच में हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या आपने सिंदूर बिंदी लगाई है? जरा ध्यान दीजिए, सिंदूर हमेशा माथे के बीचों बीच लगाना चाहिए। जी हाँ, इससे क्या होता है, महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है, धैर्य मतलब पेशेंस बढ़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सिंदूर जरूर लगाइए, आप बहुत खूबसूरत दिखेंगी। सिंदूर और बिंदी हमेशा नहाने के बाद लगानी चाहिए। जी हाँ, इससे पहले अगर आप माँ गौरी को समर्पित कर दें, उन्हें अर्पित करें, तो फिर देखिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मंगल सूत्र की। जी हाँ, काले मोतियों का बना हुआ मंगल सूत्र, जिसे पीले धागे में पिरोया जाता है आजकल, लेकिन आप पहनते नहीं हैं उसे, पहनना जरूरी है। बार बार मंगल सूत्र नहीं उतारना चाहिए, ऐसे करने से ना उसके अंदर की जो वाइब्स होती है ना खत्म होने लगती है, उसका फिर प्रॉफिट आप नहीं गेन कर सकते। बार बार कभी उतार रहे हैं फिर पहन रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, पहने रखिए, आप बहुत सुंदर दिखेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर मंगल सूत्र में सोने का या पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो तो इससे महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। भाई आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप सुंदर भी दिखेंगे, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मंगल सूत्र निकालिए, आपने उसे अपने लॉकर में रखा हुआ है, निकालिए और पहन लीजिए। अब श्रृंगार की तीसरी चीज की बात करते हैं, चूड़ियां। जी हाँ, कांच की चूड़ियां अगर आप पहनेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सोने की और चांदी की चूड़ियां भी पहन सकती हैं, लेकिन दूसरी मटेरियल की चूड़ियां पहनने से थोड़ा परहेज कीजिए, कांच की चूड़ियां तो सबसे ज्यादा बढ़िया होती हैं। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिए कि चूड़ियां पहनने से पहले अगर आप उसे माँ गौरी को अर्पित कर दें तो फिर देखिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिए, काले रंग की चूड़ियां आपको नहीं खरीदनी है। जी हाँ, थोड़ा सा परहेज कीजिए काले रंग की चूड़ियों से। भाई लाल पहनिए, हरी पहनिए, पिंक पहनिए, बहुत सारे रंग हैं, काला ही क्यों, काले से थोड़ा परहेज कीजिए। और ऐसे व्यक्ति को चूड़ियां उपहार में आपको बिल्कुल नहीं देनी है जिससे आपका प्रेम संबंध ना हो। पीठ पीछे तो आप उसकी बुराई कर रहे हैं और आगे से चूड़ियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जिससे प्यार करते हैं, विशेष स्नेह रखते हैं, उसे चूड़ियां उपहार में दीजिए। तो चलिए, श्रृंगार की तीन जरूरी चीजों की हमने आपसे बात की, अभी दो चीजें बाकी हैं। कौन सी है वो, उसके बारे में आपको कल बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए समय हो गया है जाने का। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, बाय बाय।